बाबू आपका हम लोग पैर पकड़ रहे हैं, अब बिहार को मुक्ति दीजिए। बिहार संभल नहीं रहा, बिहार में बालू माफिया, शराब माफिया और जमीन माफिया यही राज कर रहे हैं, और जो जिसका जब मन करता है तो गोली दाग देता है। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। छठ पर्व को लेकर के एक तरफ जहां देखा जाए तो पूरे देश में हर्षोल्लास का माहौल था, तो वहीं बिहार के लखीसराय में एक सनकी आसिक ने एक ही परिवार के 6 लोगों पर अंधाधुंध गोलियां बरसा दी, जिसमें लगभग 3 लोगों की मौत हो गई है। आपको बता दें कि इसके बाद सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमलावर हो गए और उन्होंने कहा कि मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं कि आपसे बिहार नहीं संभल रहा है तो गद्दी छोड़ दीजिए, क्योंकि लगातार कभी बालू माफिया तो कभी शराब माफिया जो है लगातार इस तरीके का घटनाओं का अंजाम दे रहे हैं, जो काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। आइए सुनते हैं सम्राट चौधरी ने क्या कुछ कहा है। देखिए, लगातार हम लोगों ने कहा है कि नीतीश बाबू आपका हम लोग पैर पकड़ रहे हैं, अब बिहार को मुक्ति दीजिए। बिहार संभल नहीं रहा, बिहार में बालू माफिया, शराब माफिया और जमीन माफिया यही राज कर रहे हैं, और जो जिसका जब मन करता है तो गोली दाग देता है। आप देखिए, लखीसराय में एक ही परिवार के 6-6 लोगों पर गोली चला, 4 लोगों की मृत्यु हो गई। बेगूसराय में गोली चला, वैशाली में गोली चला, उसके बाद जहरीली शराब पूरे बिहार में, जहरीली शराब पूरी तरह खुल्लम खुल्ला बिक रहा है। हमारा आज प्रतिनिधि मंडल लखीसराय में भी गया है विजय सिन्हा जी के नेतृत्व में, और गोपालगंज भी हमारे विरोधी दल के नेता हरीश सहनी जी गए हैं, दोनों जगह जांच करने का काम किया जा रहा है। लेकिन यह दुर्भाग्य है नीतीश बाबू, मैं फिर कह रहा हूँ, आपका पैर पकड़ता हूँ, बिहार को मुक्ति दी। सर, खबरें आ रही है फिर से यात्रा पर मुख्यमंत्री आमतौर पर निकलते हैं, इस बार फिर से हो सकता है। अरे, मैंने तो आग्रह किया है कि विशेष तौर पर आप अपना पहले इलाज करा लीजिए, अच्छे से स्वस्थ हो जाइए। भारतीय जनता पार्टी तो खड़ी है आपसे लड़ने के लिए, इसमें कहीं तो मत नहीं, लेकिन आप पूरी तरह स्वस्थ होइए, यही कामना में। तो आपने सुना, सम्राट चौधरी सीधे तौर पर ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बिहार संभल नहीं रहा है। मैं उनसे हाथ जोड़ता हूँ और निवेदन करता हूँ कि वो बिहार के मुख्यमंत्री पद को छोड़ दें, क्योंकि कभी बालू माफिया तो कभी शराब माफिया लगातार इस प्रकार के घटनाओं का अंजाम दे रहे हैं, जो काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। अभी बिहार में अगर कोई शासन कर रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ शराब माफिया और बालू माफिया ही कर रहे हैं। इस तरह के तमाम अपडेट के लिए देखते रहें मीडिया दर्शन। धन्यवाद।